गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की हमारी सुबह तो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो चुकी है क्योंकि आज हमारे घर पे गणेश जी जो आने वाले। फटाफट से नाना वगैरह बना के पूजा तो स्टार्ट हो गई, तब तक हम करेला फ्राई करते हैं क्योंकि आज हमें बहुत जल्दी जल्दी जो हमारा काम होता है वो करने का है। एंड ये पूरा मसाला मम्मी का है। पापा हमें अभी लेने के लिए आए हैं तो फटाफट से तैयार होकर चलते हैं अभी गणपति जी को लेने के लिए। यस, एंड अभी हम निकल चुके हैं तो मैं सोच रही हूँ कि कौन से डिज़ाइन में मैं गणपति बापा को चूज़ कर लूँ, तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी देखे गूगल पे। एंड वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा मैं कन्फ्यूज हुई थी, तो कौन से डिज़ाइन में ये गणपति मैंने चूज़ किया तो पता नहीं, लेकिन एक पसंद आया था तो उसका कुछ प्रॉब्लम था शायद, उन्होंने मुझे बताया। एंड नेक्स्ट मैंने एक चूज़ करा एंड वो लेके आए, तो फाइनली मैंने ये गणपति को लिया। एंड उसके बाद हम मार्केट जाते हैं क्योंकि हमें डेकोरेशन का कुछ सामान लेने का है। सो फटाफट से हमने यहाँ पे शॉप पे जो पूरी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने चूज़ कर ली। एंड उसके बाद कुछ हमारे बलून्स वगैरह रह चुके थे वो भी मैंने लिए। एंड निकलते हैं घर पे क्योंकि घर पे जाने के बाद जो हमें पूरा डेकोरेशन वगैरह तैयार करके गणपति बिठाए, तो मैं घर पे आ गई। एंड घर पे आने के बाद देखा तो मेरा बड़ा भाई आया था, उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, तो कोई ना, गणपति बापा उसे जल्दी ठीक करेंगे। एंड हमने गणपति बापा की पूरी पूजा वगैरह करके उनको उनकी जगह पर स्थानापन्न किया। एंड इस तरीके से कुछ डिज़ाइन करके थोड़ा सा डेकोरेशन करके हमने ये गणपति ऐसा उनका आगमन किया। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड बेल आइकन का जो बटन है उसे क्लिक करना क्योंकि हर रोज़ हमारी जो ब्लॉग है वो आने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।